तो भगवान कहते हैं हमारे पास बल लेके मत आओ, निर्बल बन जाओ, अकिंचन बन जाओ, साधनहीन दीन बन जाओ, तृणादपि सुनीचे न, तृण से बढ़कर दीन भाव, तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष से अधिक सहिष्णु भाव। सबको मान दो और स्वयं मान मत चाहो। ये तीन सूत्र हैं गौरांग महाप्रभु के, प्रारंभिक कक्षा के ये पाठ हैं। कोई भी अहंकार यदि आपके पास होगा तो उसकी पहचान क्या है कि आप जब साधना करने बैठते हैं या मंदिर में जाते हैं तो एक क्वेश्चन आपसे करेंगे संत लोग, क्यों, कितने आंसू बहाए तुमने? आंसू? आंसू तो नहीं बहाए। तो फिर क्या किया? जीरो में गुणा किया 1,00,000 से, 1,00,00,000 से, उससे क्या होगा? आंसू बहाओ, आंसू से ही भगवान प्रसन्न होंगे, और कोई बल नहीं काम देगा। जब द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था दुशासन, तो द्रौपदी ने दांत से साड़ी दबाया। भगवान देख रहे हैं, अभी अपना बल लगाए हैं, लगा ले लगा ले। 10,000 हाथी का बल दुशासन में, एक अबला क्या बल लगाएगी? तो दांत से साड़ी गिरने लगी, द्रौपदी ने आंख बंद कर लिया और हा नाथ द्वारिका बासिन, अंबरावतार हो गया। तो बल लेके नहीं जाना है, और बल हम लोगों के पास है भी नहीं कुछ। कौन सा बल लेके जाएंगे आप? क्या है आपके पास? संपत्ति? अरे अनंत कुबेर तो उसके सर्वेंट है, तुम्हारी क्या हैसियत है? अरे खरबपति हो गए तुम, और क्या हो गए इससे अधिक? एक शहर भी नहीं खरीद सकता कोई दुनिया का पैसे वाला, एक शहर। तो काहे का घमंड, मैं बड़े पैसे वाला हूं। रूप? रूप तो कामदेव टॉप करता है, अगर आप लोग उसको देख ले तो तत्काल मूर्छित हो जाए, सह नहीं सकते वो सुख। आपकी क्या हैसियत है? गोबर गणेश, एक कूड़ा कबाड़ा शरीर मनुष्य का शीशे में देख के आप बड़े विभोर होते हैं। कोई चीज नहीं है। बुद्धि? बुद्धि तो और गई गुजरी है, 1,000 बार संतों की बाड़ी सुनो और फिर भूल जाओ। एक बात समझ लो, संसार में कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के सुख के लिए प्यार नहीं कर सकता। चलो एक बात समझो, और ऐसा समझो कि सदा प्रैक्टिकल लाइफ में वो उतारो। कोई माँ, कोई बाप, कोई बेटा, कोई बीबी, कोई पति, कोई संसार का आदमी किसी दूसरे आदमी के सुख के लिए प्रेम नहीं कर सकता। सब अपने सुख के लिए प्यार करते हैं। नवा अरे सर्वस्व कामाय सर्वम प्रियम भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्यो जिध्यासितव्यो मैत्रेयी, वेद कहता है। जितनी भी सामान आप लोग चाहते हैं, अच्छी कोठी हो, हमारे बीबी हो, बच्चे हो, ये हो, वो हो, ये सब क्यों हो? आनंद के लिए। पर आनंद मिल जाएगा आनंद? ये सब सामान जब माया के अंडर में है, आनंद यहां है ही नहीं, तो मिल कैसे जाएगा? एक अंधे ने अनाउंस किया, ए अंधो इधर आओ, मेरा हाथ पकड़ लो। तो दूसरे अंधे ने सुना कि हाँ, इसके आंख जरूर है, पकड़ लिया। बस यही नाटक हमारे विश्व में हो रहा है। हम माँ से सुख चाहते हैं, माँ हमसे चाहती है। हम बेटे से सुख चाहते हैं, बेटा हमसे सुख चाहता है। ये स्वार्थ की रस्सा कशी है, और जितनी देर तक हमारे स्वार्थ की सिद्धि वो माँ, वो बाप, वो बेटा, वो स्त्री, वो पति करते रहे, उतनी देर तक प्यार। अब वो स्वार्थ सिद्धि कम कर दिया, प्यार कम हो गया। स्वार्थ सिद्धि बिल्कुल समाप्त हो गई तो प्यार समाप्त। ये संसार का कच्चा चिट्ठा है, इसलिए भगवान से रो कर मांगना है, बुद्धि नहीं लगाना। ये एक श्लोक याद करना पड़ेगा, तुम्हें वो माता च पिता
अरे नहीं नहीं तुम उड़िया भाषा में, बंगला भाषा में जो लैंग्वेज तुमको प्यारी लगे उसमें रो के पुकारो। रोना है और उस रोने के साथ शर्त है कोई कामना संसार की लेके नहीं जाना है भगवान के सामने। दो ही कामना है, एक भुक्ति एक मुक्ति। ब्रह्मलोक तक के सुखों का नाम भुक्ति और भगवान में मिल जाना उसका नाम अपवर्ग कैवल्य मोक्ष। दोनों कामनाओं को दूर फेंक करके, ये दोनों पिशाचिनी हैं, जिसके लग जाए छोड़ना और सबसे खतरनाक मुक्ति होती है। तो बस रोकर उनसे उनका दर्शन उनका प्रेम मांगो और कुछ न मांगो, कुछ बनावट नहीं, जैसे हो वैसे। थोड़ी भी बनावट किया तो मोह कपट छल छिद्र न भावा, फिर भगवान लेफ्ट टर्न अबाउट टर्न हो जाएंगे भोले बालक के समान, फिर बनना पड़ेगा। आप लोग पहले भोले थे लेकिन जो जो बड़े हुए तो संसार वालों से सीख सीख के 420 के घर बन गए आप। अरे साहब 420 अगर हम ना सीखें तो हमको कोई ठग लेगा, इसलिए सीखते हैं और सीखते सीखते स्वयं 420 हो गए। अब वो कोई संत मिलता है तो वहां भी खोपड़ी लगाता है, ये बाबा सिद्ध है कि साधक है कि पाखंडी है। ये जिस बुद्धि से आप निश्चय करने जा रहे हैं वो बुद्धि की हैसियत क्या है, एक वाक्य नहीं सहन कर सकते आप। किसी ने कहा तुम गधे हो, बेवकूफ हो, कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, आग लग जाती है शब्दों से। अच्छा बताओ तुमने भगवत प्राप्ति की नहीं, तो फिर तुम माया के अंडर में हो। हाँ तो फिर तुम कामी क्रोधी लोभी मोही सब कुछ हो मान लो और सदा हो। आप लोग कहेंगे इस समय हम लोग आपकी बात सुन रहे हैं तो कामी क्रोधी नहीं है, हाँ किसी में दिख रहा है क्रोध, लेकिन जब भी मैं उठ के चलूंगा और आप लोग जब उठेंगे और कोई धक्का लगा दे, एक शब्द एक छोटी सी क्रिया आप शरीर के मानव को जो सर्वोच्च बुद्धि वाला है पागल बना देता है। तो इसलिए सदा अपने को कामी क्रोधी लोभी मोही मानो। जो इससे परे हो चुके हैं वे संत लोग तो लिख के दे रहे हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी, और हम लोग तो फैक्ट में फिर क्यों ना माने, क्यों बुरा मानते हैं। तो भगवान के सामने निष्कपट निश्चल नवजात शिशु की भांत रोकर उनका प्रेम मांगो, उनके जो पसंद आवे आपका रूप बना लो, जो पसंद आवे उनका नाम गाओ, जो पसंद आवे गुण गाओ, जो पसंद आवे लीला गाओ, जो अच्छा लगे वो श्रृंगार कर दो, डरो मत, पैंट पहना दो और बल्ला थमा दो, चलो श्याम सुंदर क्रिकेट खेलो।